अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, कल मैं अपना प्लान बना रही थी कि मैं अपने बाल डाई करूँगी इस नेचुरल हर्बल रेमेडी के साथ, तो मैंने सोचा आपके साथ ये मेथड शेयर कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए एक हेयर डाई ब्रश, एक विटामिन ई कैप्सूल जो आपको कॉस्मेटिक शॉप से मिलेगा ये शाइन के लिए बालों में, और इसके अलावा कोको पाउडर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून, या आप अपनी बालों के लेंथ के हिसाब से देख लें। मेरे बाल तो शोल्डर से थोड़े नीचे हैं। अच्छा, एक मुझे विटामिन ई कैप्सूल चाहिए होगा। इसके अलावा मुझे फ्यू ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल की चाहिए। अच्छा, मेहंदी मैं यहाँ पे लूँगी, ये ज़रा ज़्यादा जाएगी, ये जाएगी 5 to 6 टेबल स्पून। इसके बाद मुझे चाहिए होगी कॉफ़ी, जिसके मैंने 4 साशे लिए हैं, ये भी इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। साथ ही मैं यूज़ करूँगी वो चाय की पत्ती जो आम हमारे घर में मौजूद होती है, इसके भी 3 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी। 2 कप पानी डाल के रखूँगी, उसको बॉयल करूँगी, और जब वो बॉयल हो जाएगा और हाफ कप रह जाएगा, सॉरी मेरा मतलब है 2 कप 1 कप बन जाएगा, तो फिर वो इट्स मीन के कावा डन है। यहाँ पे बस कावा ऑलमोस्ट डन है। चलिए अब चीज़ों को मिक्स करते हैं 1 by 1। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक क्लीन बाउल में एक मैंने मेहंदी ऐड की है, उसके बाद मैं बारी बारी सारे साशे जो है ना कॉफ़ी के ऐड कर दूँगी। आपको बताया था 4 to 5 टेबल स्पून मेहंदी की हैं। इसके बाद मैं ये वाला कैप्सूल ऐड करने लगी हूँ, और उसके बाद कुछ ड्रॉप्स मैंने ऑलिव ऑयल के लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून फुल लिया है कोको पाउडर का, और विटामिन ई कैप्सूल। अब चाय की पत्ती का जो मैंने कावा बनाया था ना, उसको एकदम से सारा नहीं डालना, हो सकता है ये बहुत थिन हो जाए और आपके बालों पर ना ठहर सके। ग्रेजुअली अप्लाई करें कि कंसिस्टेंसी देखते हुए कि ये आपके बालों पे ठहरना चाहिए और काफ़ी देर तक टिका रहे और लगा रहे। अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। ठीक है, यहाँ पे ये मिक्सिंग हो गई है। अच्छा, ये इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगी कि आप इसको फौरन रेडी करके फौरन यूज़ ना करें, इसको ओवरनाइट के लिए रख दें। ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगी और इनकी अफेक्टिवनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट डे हो गया। अच्छा, इस मिक्सचर को ना हमेशा आपने साफ़ सुथरे और शैम्पू के वाले बालों में अप्लाई करना, नहीं तो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये बच्ची के बालों का एक मैंने छोटा सा पोर्शन लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ, उसका कलर ब्लैकिश ब्राउन सा है, लेकिन अब देखते हैं कि इस मिक्सचर को अप्लाई करते हैं, फिर रिंस करते हैं, फिर ड्राई होने के बाद बालों का कैसा कलर निकलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप देखें कि ये वाली जगह जो थी मेरी बच्ची की, इसमें इसका ओरिजिनल कलर है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और ये जो मैंने इसका एक बालों का छोटा सा पोर्शन लिया था वो उस पर मैंने अप्लाई किया था, चूँकि इस बच्ची के स्कूल में बाल डाई वगैरह करना और ये सब कुछ अलाउ नहीं है, तो मैंने आपको डिफरेंस दिखाने के लिए जो है पहले वाला जो इसका कलर है, ओरिजिनल कलर है इसके स्कैल्प का, और इसकी जो पोनी टेल का जो कलर है जिस पे मैंने ये वाला डाई होम मेड डाई अप्लाई किया था, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि लाइट में प्रोमिनेंट करके आपको दिखा सकूँ। आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ये जो मिक्सचर हेयर पैक कह सकते हैं आप इसको, रेमेडी हर्बल टोटका, ये जो अप्लाई करने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। और ये देखें, ये पोनी टेल मैंने उसकी उठाई है, अब सही देखें आपको वाजिया हो जाएगा। और ये मैंने इसके पहले वाले जो विदाउट कलर्ड बालों के ऊपर रखी है, आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को जो है शैम्पू से ना वॉश करें, प्लेन वाटर से सिर्फ वॉश करें और इसको साफ़ सुथरे बालों में अप्लाई करें। इसके अलावा जो है अपने कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करें ताकि बाल सॉफ्ट और स्मूथ रहें। अगर शैम्पू करना है तो नेक्स्ट डे पे आप कर सकते हैं, और इस मिक्सचर को बालों पे 3 से 4 घंटों के लिए छोड़ दें। और ग्रे हेयर्स के लिए डबल कोटिंग करें, पहले वॉश करें, फिर नेक्स्ट डे फिर मेहंदी लगाएं, ये मेहंदी वाला मिक्सचर, और फिर वॉश करें। अच्छा, ये पहले इसके बालों का कलर देखा है आपने, और ये एप्लीकेशन के बाद ये मिक्सचर की ये बात का कलर है, डिफरेंस आपके सामने ही है। तरह तरह के जो है केमिकल्स वाले और इस तरह के ख़तरनाक किस्म के डिफरेंट कंपनीज़ के आर्टिफिशियल डाई इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप ये बालों को नेचुरल रेमेडी यूज़ करवाएं। और बिलीव में कि जब आप इसका रिज़ल्ट आएगा आपके बालों को, तो हर एक आपसे पूछेगा कि
कि ये किस कंपनी का डाई अप्लाई किया है, क्योंकि किसी को भी नहीं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कितने हर्बल हैं और बालों के लिए बेनिफिशियल है। लाइक ऑलिव ऑयल है इसमें, विटामिन ई है जो बालों को बिल्कुल टोटल बहुत मॉइस्चराइज करता है, उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें। ऑनेस्टली आपने फ़ीडबैक देना है कि आपकी मेरी आपकी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने ये अप्लाई किया मिक्सचर अपने बालों पे तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। और इस वक्त मैं पार्लर जा रही हूँ, मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे एक बड़ा अच्छा पार्लर है, वहाँ से मैंने अपने बालों की ट्रिमिंग करानी है। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।